मत करो मत करो। अरे बच्चा क्या कर रहे हो? उस चक्कर में गिरने की संभावना बढ़ जाती है और कई लोग गिरते गिरते बचेंगे, मतलब बहुत बुरी हालत है यार। सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं श्रेया जैन और फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ एक और नए स्पेशल सफर में। हम लोग हैं फिलहाल दिल्ली में और दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन में। आप लोगों को पता ही होगा दिल्ली से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब जगह के लिए आपको नेम्ड ट्रेन कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है और आज हम लोग उन्हीं चार में से एक में ट्रैवल करने वाले हैं। उसका नाम है दक्षिण एक्सप्रेस, जो कि चलती है दिल्ली हज़रत निजामुद्दीन से लेकर सिकंदराबाद तक, और आज हम लोग इस ट्रेन में पूरा एंड टू एंड सफ़र तय करने वाले हैं। बाकी चलिए, फिलहाल समय हो चुका है 10:30, अपनी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर लग चुकी है। कुछ ही देर में मैं आप सभी को इंटीरियर दिखाऊंगा और फिर इस जर्नी को हम लोग शुरू करेंगे। बाकी शुरुआती में मैं बता दूं, गाड़ी का हाल थोड़ा सा एवरेज सा ही है, बड़े बुरे हाल में कह सकते हो। दलदल तो ट्रेन का ये है कि 50% लोग चढ़ ही नहीं पा रहे हैं, समझ लीजिए क्या हाल होगा इस गाड़ी का। एक डेली गाड़ी है, इस वजह से डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। इसमें आपको 7 3-टायर के कोच देखने को मिल जाएंगे, पर एसी 2-टायर का एक ही कोच है। इसमें फर्स्ट एसी का कोई कोच आपको देखने को नहीं मिलेगा, बाकी स्लीपर वगैरह के कोच हैं। बाकी इस ट्रेन के लिए रश तो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। चलिए, अपना इंजन जो है वहाँ रेडी हो चुका है, वेब 7 लग चुका है और इस जर्नी की तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। यहाँ देख लीजिए आप जनरल का हाल, लोग चढ़ ही नहीं पा रहे हैं, ये हाल है। और जनरल के जस्ट पीछे अपना एसी 2-टायर का कोच है। बाकी ये देख लीजिए आज का अपना कोच, एसी 2-टायर का बहुत ही यूनिक कोच है, जो भारतीय रेलवे ने कुछ समय पहले लॉन्च किया था, जिसे ब्रिजरलेस नाम दिया गया था। चलते अंदर से इंटीरियर दिखाता हूँ मैं आप सभी को। चलिए तो देखते हैं हम लोग इंटीरियर। फिलहाल ये देखिए बड़े बुरे हाल में है। मैं शुरुआत में आपको बता चुका हूँ, एक डेली गाड़ी होने के कारण इसका मेंटेनेंस जो है मुझे ठीक ठाक नज़र नहीं आ रहा है। बाकी ये देख लीजिए अंदर से कुछ ऐसे इंटीरियर्स हैं सीट्स के, सीट्स थोड़ी सी ख़राब नज़र आ रही है मुझे। और यहाँ देखिए आप सत्यभाई रेस्ट करें फिलहाल। बाकी सत्यभाई, इंटीरियर्स के बारे में क्या कहेंगे आप गाड़ी के, बस इससे आप समझ जाइए। बाकी यहाँ देख लीजिए हज़रत निजामुद्दीन स्टेशन से बैक टू बैक डिपार्चर जो है वो हो रहे हैं। देखिए चेन्नई दुरंतो आज बहुत लेट छूट रही है, यहाँ से करीब 7 घंटा लेट यहाँ से छूट रही है। अब लग रही है प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर, तो जहाँ तक है कि मुझे उम्मीद है अपनी गाड़ी को वो ओवरटेक करेगी। ये देखिए चेन्नई दुरंतो आ चुकी है। चलिए ऑल ग्रीन फ्रॉम लोको पायलट सर, और यहाँ पर हम लोग निकल रहे हैं। देखिए बाहर लोग लटक रहे हैं। अरे अरे, चलिए तो फाइनली हमारा डिपार्चर जो है वो हो चुका है दिल्ली हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से। बाकी खाने पीने की अगर बात की जाए तो आपको पैंटी सर्विस जो है वो चालू हो जाएगी। अभी रात में भी आपको नॉर्मल बिरयानी वगैरह देखने को मिल जाएगी, प्लस चाय कॉफ़ी वगैरह देखने को मिल जाएगी। तो एक चीज़ है, इस इतनी लंबी यात्रा में आपको खाने पीने की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ट्रेन में पैंट्री कार जो है वो मौजूद है। पूरी 130 की रफ्तार से भाग रही है अपनी ट्रेन और लोगों के साथ देखिए इस पार से निकल रहा है। कोटा देहरादून नंदा देवी एसी सुपरफास्ट स्किपिंग असौती। भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस
एजेंसी का नाम। देखिए यहाँ समय हो चुका है 12:17 और फाइनली हम लोग पहुँचे हैं कोसी कलां रेलवे स्टेशन। अपनी इस जर्नी का ये तीसरा हॉल्ट है। बाकी फरीदाबाद और बल्लभगढ़ दोनों ही मैंने कवर करने की कोशिश की, पर मैं कवर नहीं कर पाया क्योंकि भीड़ इतनी थी। जो जनरल के पैसेंजर है वो चढ़ नहीं पा रहे थे, तो वो कोशिश करके 2AC में चढ़ रहे थे और फिर बोल रहे थे कि आगे जाके जो है जनरल में ट्रांसफ़र होंगे अगले स्टेशनों में। बाकी देख लीजिए आप क्या बुरा हाल है जनरल का, यहाँ मतलब लोग बाहर तक लटक रहे हैं। अब मैं इससे ये बताना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ रेलवे तक अगर मेरी बात पहुँच पाए कि यार आज के ज़माने में जो डिमांड है ना वो AC से ज़्यादा स्लीपर या जनरल की है, तो एक दो डब्बे अगर जनरल के और बढ़ जाएँ, एक दो डब्बे स्लीपर के और बढ़ जाएँ तो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। खैर बस 2 मिनट का हमारा हॉल्ट था, चलिए चलते हैं। बाकी अगर बात की जाए खाने पीने की तो ट्रेन में आपको पैंटी सर्विस जो है वो शुरू होती हुई नज़र आ जाएगी रात में, बट पानी बॉटल वगैरह मुझे अभी बिकता हुआ नज़र नहीं आया है। तो गर्मियों के दिनों में एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिए कि पानी वगैरह शुरुआती स्टेशन से ही लेके चलें। बाकी जो छोटे छोटे स्टेशन है जैसे आपके कोसी कलां हो गए, यहाँ पर वेंडर्स बेचते हुए नज़र आ जाएंगे और स्टॉल वगैरह जो वो सेंटर में होते हैं। बाकी इस ट्रेन के छोटे छोटे हॉल्ट बहुत है, यह भी एक कारण है कि इस ट्रेन की जो डिमांड है या पेट्रोल जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये देख लो बाकी अपनी ट्रेन की जो मैक्सिमम रफ्तार है वो 130 किलोमीटर प्रति घंटा की है। अभी करीब 120 पे हम लोग चल रहे हैं, जस्ट कोसी कलां से हमारी गाड़ी निकली है। यहाँ देखिए हम लोग फाइनली पहुँच रहे हैं मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन और मेमू के साथ पैरेलल अराइवल हो रहा है हमारा। खैर मेमू फिलहाल यहाँ पर आगे निकल चुकी है और हमें सिग्नल नहीं है फिलहाल एंट्री के लिए। फाइनली मथुरा जंक्शन हम लोग पहुँच रहे हैं। रात में भी स्टॉल वगैरह आपको खुले नज़र आ जाएंगे। IRCTC का भी यहाँ पर स्टॉल दिख रहा है, फूड प्लाजा, आइसक्रीम वगैरह के भी स्टॉल हैं, रिफ्रेशमेंट रूम। यहाँ से मैं हो चुका है 12:52 और श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा जी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फिलहाल डिले की अगर बात की जाए तो 20 मिनट का अपना यहाँ पर डिले है और अब फाइनली जाके थोड़ा सुकून चैन मिलेगा मुझे कि मैं आराम से आपसे फिर से बात कर पाऊँगा इस जर्नी के बारे में, क्योंकि दिल्ली से लेकर अभी छोटे छोटे स्टेशनों पर जब हॉल्ट थे ना बहुत ज़्यादा भीड़ चढ़ रही थी, उतर रही थी। और कहीं ना कहीं मैंने लोगों के मुंह से भी सुना है कि ये मतलब छोटे छोटे स्टेशनों पर रुकने वाली आखिरी ट्रेन है, दिन की आखिरी ट्रेन है। अब सीधा कल सुबह छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस होगी, तो इस वजह से भी लोग काफ़ी ज़्यादा चढ़ रहे हैं इस गाड़ी में, जो मतलब एक दो स्टेशन तक ट्रैवल करते हैं छोटे डिस्टेंस मतलब ट्रैवल करने वाले लोग। बाकी मथुरा स्टेशन पर रात को आपको अच्छे स्टॉल्स वगैरह खुले देखने को मिल जाएंगे, खाने पीने की सुविधाएं आपको यहाँ पर अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। बाकी चलिए रात के 12:30 बज चुके हैं, दुरंत तो जो है हमारे पीछे पीछे चल रही, जस्ट जब हम लोग मथुरा पहुँचने वाले थे आउटर पे थे तब वो कोसी कलां से निकली थी, तो मेरे ख्याल से मथुरा से आगरा के बीच में हमें ओवरटेक हो जाना चाहिए क्योंकि हमारे तो बहुत सारे स्टॉपेजेस हैं, मथुरा आगरा वगैरह सब कुछ, उसका कोई स्टॉप नहीं है, दिल्ली से चलकर सीधा वो ग्वालियर जाकर रुकेगी। चलिए फिलहाल तो हमारा डिपार्चर हो चुका है मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से। बाकी मैं आप सभी को बता दूँ ये जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से हमारी जो लाइन है वो अलग हो जाएगी, या कह सकते हैं कोटा वाली जो लाइन है वो हमसे अलग हो जाएगी, हम लोग सीधा आगरा की ओर बढ़ जाएंगे। बाकी चलिए अब मैं आ चुका हूँ अपनी सीट पे, आज की अपनी सीट साइड लोअर है, बढ़िया से बाहर के नज़ारे इन्जॉय कर रहा हूँ। अपनी गाड़ी नॉन स्टॉप 130 की रफ्तार में भाग रही है और लगातार जो है स्टेशन को स्किप कर रही है। फिलहाल हम लोग बाढ़ को स्किप कर रहे हैं। यहाँ देखिए फाइनली हम लोग आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पहुँच रहे हैं। समय की अगर बात की जाए तो 1:40 हो चुका है अभी। रात के वक्त में भी अच्छी खासी चहल पहल है स्टेशन पर और सारे स्टॉल जो हैं वो खुले नजर आएंगे आपको। यमुना किनारे बसा एक खूबसूरत सा उत्तर प्रदेश का शहर आगरा कैंट हम लोग पहुंच चुके हैं। बाकी अगर यहाँ की बात की जाए ना, रात के करीब 1:30 और मैं स्टिल जाग रहा हूँ, उसके पीछे का कारण एक ही है, वो है दुरंतो एक्सप्रेस का ओवरटेक। अब जो डिस्टेंस है वो मात्र 2 स्टेशन का रह गया है और मेरे अंदर जो एक्साइटमेंट है ना वो मुझे सोने नहीं दे रही कि यार नहीं चेन्नई दुरंतो का ओवरटेक लेना ही है, रेयर है भाई क्योंकि वो रीशेड्यूल है ना 7:15, तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, वो पहले ही आगे निकल जाती है। फाइनली हो रहा है तो भाई रिकॉर्ड करना चाहिए ना।
बाकी आगरा की बात अगर की जाए तो यहाँ पर अपनी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है, सिग्नल भी हो चुका है। अब यार मुझे उम्मीद थी आगरा में हॉल्ट हो जाएगा, तो अगर आगरा में नहीं होगा तो देखते आगे क्या होता है। आगरा स्टेशन से निकलते ही हमारी ट्रेन में चेन पुलिंग हो चुकी है और जनरल से हुई है, आगे काफ़ी सारा स्टाफ जो है आ चुका है। हमारी ट्रेन लगभग 5 मिनट से स्टिल अभी खड़ी ही है। बाकी एक चीज़ से ये हुआ है कि जो अपनी चेन्नई दुरंतो है जो 2 स्टेशन पीछे थी, अब वो सिर्फ 1 स्टेशन पीछे है, जो राजा की मंडी स्टेशन है वहाँ वो पहुँच चुके हैं। हम लोग स्टिल आगरा कैंट पर खड़े हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगले स्टेशन पर हमारा ओवरटेक हो ही जाएगा। यार बहुत बुरा लग रहा है, रात करीब 3 बजे हैं, हमारी ट्रेन आगरा से निकली थी उसके बाद तो लगातार भाग रही थी, दुरंत तो हमारे जस्ट पीछे थी और हमारी ट्रेन भी भाग रही थी नॉनस्टॉप, ओवरटेक नहीं दिया। यार वेट करते 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 मुझे लग गई आँख और ट्रेन हमारी आगे खड़ी हुई मुरैना, यहाँ के हुआ ओवरटेक, दुरंतों ने यहाँ ओवरटेक किया है। और जैसे ही ओवरटेक हुआ सडनली मेरी आँख खुली और मैंने कहा शिट यार निकल गई। कर्नाटका संपर्क क्रांति। बाकी मैं आप सभी को बता दूं मुरैना स्टेशन पर अपनी ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है। बाकी यार जिस चीज़ के लिए मैं इतना जागा हूँ 1:30-2 बजे तक, थोड़ा सा और मतलब मेरी नींद नहीं आती ना मुझे तो ओवरटेक कैप्चर हो जाता। चलिए पूरा सुनसान कर रहा है स्टेशन रात में मुरैना, सिग्नल ग्रीन हुआ है, एक और ओवरटेक कौन सी है, चलिए देखते हैं। दुरंतो का नहीं, दूसरी ट्रेन का ओवरटेक मिल रहा है हमें। चलो अब थोड़ी सुकून की नींद आएगी मुझे, फाइनली एक ओवरटेक तो हमें देखने को मिला। तो ये थी ट्रेन नंबर 12486 श्रीगंगानगर नांदेड़ एक्सप्रेस। चलिए सोते हैं फिलहाल, मुरैना से हम लोग निकले हैं, कुछ देर हमारा डिपार्चर यहाँ से हो जाएगा। और मध्य प्रदेश में बहुत बढ़िया सिटी है मुरैना, और मुरैना की गजक तो आप सभी ने सुना ही है, बहुत ज़्यादा फेमस है। चलिए रात काफ़ी हो चुकी है, आँखों में नींद दिख रही है, सोते हैं, मिलते हैं आप सभी से कल सुबह। क्या होगा नाश्ते में, क्या होगा नाश्ते में? सर ब्रेड ऑमलेट है, उपमा है, पोहा है। अच्छा एक पोहा दे दीजिए मेरे को। तो गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है, फिलहाल मैं उठ चुका हूँ और हमारी ट्रेन जो है कुछ देर में बीना पहुँचने वाली है, और सुबह सुबह पैंट्री सर्विस की जो है शुरुआत हो चुकी है। मैं भी ब्रश वगैरह करके एकदम रेडी हो चुका हूँ, अब लग रही है भूख, तो मैंने लिया है फिलहाल ये पोहा जो पैंट्री से बन के आया है, और साथ में भैया से मैं बनवा रहा हूँ चाय जो प्रीमिक्स वाली होती है वो। चलिए चाय वगैरह पीते हैं, पोहा का रिव्यू करते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं। पहुंचने वाले हम लोग बीना, बाकी ताबड़तोड़ भाग रही है अपनी गाड़ी, फिर भी स्लाइट डिले के साथ चल रही है, लगभग 50 मिनट का डिले है अपने पास। तो ये होने वाला आज का अपना ब्रेकफास्ट, और बिल्कुल बढ़िया सी खुशबू आ रही है पोहे से, अब रहा नहीं जरा मुझसे, फटाफट से टेस्ट करते हैं जरा पोहा कैसा लग रहा है, एकदम गर्म गर्म है। नेक्स्ट लेवल कांदा पोहा है, और क्या ज़बरदस्त लग रहा है भाई, बहुत ज़बरदस्त एवन लगता है, पैंट्री खाना अच्छा होने वाला है। चलो दिन भर में वो भी रिव्यू करेंगे, बाकी यार पोहा और चाय का कॉम्बिनेशन तो बेस्ट। अब अगर आप लोग कभी MP आए होंगे तो ये कॉम्बिनेशन हमने ज़रूर से ट्राई किया होगा, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना किस किस का फेवरेट है। और फिलहाल हम लोग चल भी MP में ही रहे, वाह। तो ब्रेकफास्ट कंप्लीट किए, मुझे हो चुका है करीब करीब मान लीजिए 40 मिनट, और 40 मिनट से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ बीना जंक्शन से एक स्टेशन पहले अगस्त जंक्शन स्टेशन पर, और यहाँ पर एक सुपरफास्ट ट्रेन निकल चुकी है हमारे आगे, एक मालगाड़ी भी हमारे आगे निकल चुकी है, और स्टिल हम लोग लूप पर खड़े होकर वेट कर रहे हैं।
मुझे लगता है यहाँ आके अपनी ट्रेन की जो प्रायोरिटी है वो थोड़ी सी घटती हुई नज़र आ रही है। तो भाई डिले जो है वो बढ़ रहा है अब ऐसे करके, अब देखते हैं हमें कब लिया जाता है। पहले तो मालगाड़ी गई है, ये निकलेगी, वो सुपरफास्ट ट्रेन निकलेगी, फिर हमें लिया जाएगा। बढ़िया है। तो फाइनली सिग्नल हो चुका है हमारे लिए भी, अब हम निकल रहे हैं बिना जंक्शन की ओर। बाकी वेदर की मैं अपडेट दूँ ना तो परफेक्ट हो चुका है, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हाँ गर्मियों का टाइम फिर भी सुबह सुबह ठंडी हवा चल रही है और धूप चुभ नहीं रही है, सबसे अच्छी बात है अभी के लिए। तो फिलहाल तो कम से कम मज़ा आ रहा है अभी खड़े होने में, आप लोग देख सकते हैं मैं इंजॉय कर रहा हूँ उसको। ये देखिए गुना की ओर से आने वाली लाइन हमसे आकर मिल रही है और फाइनली हम लोग बिना जंक्शन पहुँच रहे हैं। क्या खूबसूरत सा कर्व लेके हमारी गाड़ी एंटर कर रही है बिना जंक्शन को। ये देखिए इधर से दूसरी लाइन यानी कि सागर वाली लाइन आके हमसे मिल रही है, तो इसीलिए भी बिना एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। आपको मैंने दोनों लाइन जो है अराइवल के टाइम पे ही दिखा दी। बिना जंक्शन भोपाल खजुराहो महामना। तो फाइनली समय हो चुका है 8:42 और बिना हम लोग को एंट्री दे चुका है। बाकी अगर बात की जाए बिना स्टेशन पर तो मुझे फल फ्रूट काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। शुरुआती में मैं आप सभी को बता दूं केले वगैरह मुझे बिकते हुए नज़र आ रहे हैं। गर्मियों का समय है, फ्रूट्स का कंजप्शन ज़्यादा रखिए बजाय कि ये जो दूसरी चीज़ें मिलती हैं समोसा कचौड़ी वगैरह, ये सब चीज़ें कहीं कभी और ट्राई करने के लिए हैं। बाकी देख लीजिए जनरल का हाल वैसा का वैसा ही बना हुआ है, ये सुबह सुबह की अपडेट है आप सभी के लिए। बाकी बिना में ब्रेकफास्ट का आपको काफ़ी अच्छे ऑप्शंस जो है वो देखने को मिल जाएंगे, पर मैं सजेशन आपको नहीं दूंगा कि बाहर से खाओ क्योंकि जब ट्रेन में इतना अच्छा मिल रहा है तो बाहर जाने की ज़रूरत ही क्या है। हाँ एक और चीज़ है, ये इसी से मैं अपडेट देना चाहूँगा आप सभी को कि ट्रेन में आलू पराठा भी मिल रहा है ब्रेकफास्ट में। तो ऑप्शन देखिए आलू पराठा, उपमा, पोहा, कटलेट, क्या चाहिए भाई। और बाकी बढ़िया से हमारी गाड़ी का सिग्नल हो चुका है निकलने का, चलिए लेते हैं डिपार्चर बिना स्टेशन से। बाकी मैं आप सभी को बता दूँ बिना में ऑयल रिफाइनरी भी मौजूद है, BORL बिना ऑयल रिफाइनरी लिमिटेड। ये देखिए खूबसूरत लोकोमोटिव, कलरफुल लोकोमोटिव अच्छे लगते हैं वैसे। ये है WAP-7 ITRC शेड का। काफी साफ सुथरी नजर आ रही है बाहर से भी। देखिए यहाँ से मैं हो चुका है करीब 10:18 और फाइनली हम लोग पहुँचे विदिशा रेलवे स्टेशन। और मैं बाहर आया क्रॉसिंग लेने के लिए तमिलनाडु संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के साथ, जिसका विदिशा स्किप है, पर जैसे ही ट्रेन स्किप करने वाली थी चेन पुलिंग हो गई और ये ट्रेन यहीं की यहीं खड़ी हो गई। तो इसका स्टॉप तो नहीं है, हाई स्पीड प्रीमियम ट्रेन है, पता नहीं किस कारण से चेन पुलिंग हुई होगी, यहीं की यहीं खड़ी है। बाकी बहुत तीखी धूप हो चुकी है, वेदर में बदलाव नज़र आ गया है। अब भाई दिन भर जो गर्मी होगी ना रिकॉर्डिंग करना उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये तो
देखिए फिलहाल हम लोग क्रॉस कर चुके हैं निशातपुरा और फाइनली हम लोग भोपाल जो है वो पहुंचने वाले हैं। और उससे पहले कि कुछ अपडेट मैं आप सभी को देना चाहूँगा कि वॉशरूम्स की हालत इतनी गंदी हो चुकी है कि जो छत है ना उससे पानी टपक रहा है और वॉश बेसिन वाला जो एरिया है वहाँ से भी पानी टपक रहा है। अब जाओ तो जाओ कैसे वॉशरूम, तो इसीलिए मुझे कंप्लेंट जो है मजबूरी में करना पड़ी। मजबूरी क्या यार, मतलब मैं देखता रहा हूँ गंदी हालत में ऑन बोर्ड ओपीएचएस कुछ कर नहीं रहा। सुबह सुबह दिखा था एक बार, बस कोच में झाड़ू लगाया फिर गायब। मतलब पूरे पैसेंजर जो है परेशान हो रहे हैं। हमारे आसपास के सीट वाले लोग भी कह रहे हैं कि अगर आप लोग वीडियो बना रहे हैं तो ये बात ज़रूर से आगे तक कन्वे की जाए कि जो गाड़ी की हालत है वो बड़ी ख़राब है। और सेकेंड एसी में अगर ये हाल है तो बाकी क्लास से क्या उम्मीद करेंगे हम लोग। मतलब फिलहाल इस ट्रेन का ये सबसे हाईएस्ट क्लास है। देखिए यहाँ पर मक्सी वाली लाइन जो है वो हमसे आकर मिल रही है और फाइनली हम लोग भोपाल जंक्शन पहुँच रहे हैं। भोपाल जंक्शन, यहाँ भोपाल पहुँचते ही मुलाकात हो चुकी है वैभव भाई से हमारे। क्या हाल है वैभव भाई? बस बढ़िया। और यहाँ अपना ब्रेकफास्ट भी आ चुका है। तो ये वैभव हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक भी लेके आए हैं सेवन अप, और ये हमारा ब्रेकफास्ट भी आ चुका है। चलो थोड़ी बातचीत करता हूँ फिर मिलता हूँ मैं आप सभी से। फिलहाल हम लोग भोपाल जंक्शन जो है वो पहुँच चुके हैं और 11:60 समय हो चुका है। ये भैया ये वाला जो है ना ऊपर देखें यहाँ से पानी टपक रहा है और एक वो वॉशरूम वाली छत अंदर से आप देख लीजिए। हाँ ये इसमें तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा, देख लीजिए। चलिए खैर भोपाल से डिपार्चर हमारा हो चुका है। गाड़ी 5 मिनट के लिए यहाँ रुकी थी और मैं कंप्लेंट को अटेंड कर रहा था इस वजह से बात नहीं कर पाया आप सभी से। एक बार थोड़ा यहाँ भीड़ वगैरह भी जमा हो चुकी है, ये सब क्लियर हो फिर आप सभी से बात करता हूँ मैं। चलिए तो मध्य प्रदेश की राजधानी और झीलों की नगरी भोपाल से हमारा डिपार्चर जो है वो हो चुका है और यहाँ पर इतनी हड़बड़ी हुई थी ना, 5 मिनट का हॉल्ट था। एक तो ब्रेकफास्ट जो हम लोगों ने मंगवाया था बाहर से वो रिसीव करना था, प्लस कंप्लेंट के लिए जो अटेंड करने आए थे उनसे बात करना थी। कंप्लेंट अटेंड करने आए थे उसका पहले मैं समझा देता हूँ। उन्होंने कोशिश की कुछ टाइट करने की, बोल्ट वगैरह बोल रहे हैं अपने लिए क्योंकि और वॉशरूम वगैरह साफ़ किए हैं। चलो ये अच्छी बात है कंप्लेंट का जो असर हुआ है। बाकी आगे हमारी गाड़ी रानी कमलापति भी रुकेगी। यहाँ हम लोग पहुँच रहे हैं रानी कमलापति रेलवे स्टेशन और सामने कोई तो हमसफ़र एक्सप्रेस छूटने के लिए तैयार है। तो यहाँ समय हो चुका है 11:25 और अपने समय से कह सकते हैं 1.5 घंटे की देर हम लोग पहुँचे हैं भोपाली में पड़ने वाला एक और मध्य प्रदेश का खूबसूरत, सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशन रानी कमलापति। आप लोग देखिए स्टेशन कितना खूबसूरत, कितना साफ़ सुथरा है, स्टॉल्स वगैरह एकदम नीट एंड क्लीन है और वेल मेंटेन स्टेशन है क्योंकि ये प्राइवेट स्टेशन है तो साफ सफाई का ध्यान खासकर यहाँ रखा जाता है। बाकी स्टेशन बिल्डिंग भी बहुत प्यारी है। यहाँ स्टेशन पर आपको सुविधाएँ काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। रुकने के लिए भी आपको यहाँ पर रिटायरिंग वगैरह काफ़ी साफ़ सुथरे और अच्छे देखने को मिल जाएंगे। बाकी आप लोग देख लीजिए इधर खड़ी है शान ए भोपाल एक्सप्रेस रानी कमलापति हज़रत निज़ामुद्दीन। ये गाड़ी में मुझे जर्नी करना है, बहुत साफ़ सुथरी है, बहुत तारीफ सुनी है और इंडिया की पहली ISO सर्टिफाइड ट्रेन है ये, तो भाई बनता है ना। बाकी आप लोग जनरल का हाल देखिए, हमेशा हर स्टेशन पे दिखाऊंगा मैं। भाई साहब चढ़ना मुश्किल है, मत करो मत करो। ए क्या कर रहे हो यार, अरे अरे भाई। स्थिति आपको शुरू से मैं दिखाते आ रहा हूँ जनरल क्लास की, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखी है और इस कारण क्या हुआ कि कई लोग भोपाल स्टेशन पे, रानी कमलापति स्टेशन पे, आगरा, सारे स्टेशन में जहाँ जहाँ भी हमारी ट्रेन रुकी है ना वहाँ पे ये स्थिति बनी कि लोग ज़बरदस्ती जो चढ़ने कोशिश करते हैं अब उतने लोग चढ़ नहीं पाते, एसी में आते हैं एक साथ फिर चढ़ने के लिए और वहाँ ये होता है कि वो लोग ज़िंदगी से खिलवाड़ कर बैठते हैं जो कि नहीं करना चाहिए। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, तो उस चक्कर में गिरने की संभावनाएं बढ़ जाती है और कई लोग गिरते गिरते बचें। एक दो को तो सत्या मैंने बचाया है खींच के लिटरली, मतलब बहुत बुरी हालत है यार। तो मेरी ये बात रेलवे तक अगर कहीं से भी कैसे भी पहुँच रही है तो प्लीज़ दक्षिण एक डेली गाड़ी है, इसके स्टॉपेजेस काफ़ी ज़्यादा हैं तो इसमें जो है जनरल की मात्रा बढ़ाई जाए, एटलीस्ट 2 जनरल तो कम से कम किए जाए आगे की ओर और 2 पीछे की ओर, वरना स्थिति बड़ी ख़राब होती जा रही है। लिटरली रानी कमलापति स्टेशन पर तो आप लोगों ने भी क्लिप देखी होगी यार, मतलब मैं तो सबसे पहली बात एक सलाह ये भी देना चाहूँगा कि प्लीज़ कितनी भी मतलब अर्जेंसी क्यों ना हो, कितना भी इंपॉर्टेंट काम क्यों ना हो, ऐसे रिस्क मत लीजिए जिंदगी प्लीज़। चलती ट्रेन में ना चलिए, ना उतरिए चलती ट्रेन से और ना ही बाहर लटकीए और ना ही धक्का मुक्की कीजिए, ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़
ऐसी सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए प्लीज़।